हे गाइस, क्या हाल है भाई। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो में और एक नए टॉय गन के साथ। मेड इन चाइना वाली एक गन है जो कि शेल इजेक्टिंग सिस्टम के साथ आती है, उसका रिव्यू आज हम करेंगे। और ये मैंने अमेजोन से बाय की है, तो इसका मुझे प्राइस पड़ा है कुछ 1450 रुपये, यानी कि 450 रुपीज़ इतना मेरे को इसका प्राइस पड़ा है। लेकिन अभी ये 2000 रुपीज़ की हो गई है, पता नहीं प्राइस बढ़ा दिया भाई उन्होंने 5 दिन के अंदर ही। तो ठीक है, ये कुछ इनका थैंक यू का गिफ्ट मिलता है, होम बाय ऐसा कुछ इनका ब्रांड होगा जहाँ पे ये बेचते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे पास गन गाइस, ये देखो गन। इसमें यहाँ पे मैगजीन इजेक्टिंग वाला सिस्टम है, सेम वही जो छोटी बीबी वाली बुलेट्स वाली वो होती है उनमें होता है, जो सेम वैसा वैसा ही, और सेम वैसी वैसी ही कॉपी भी है लगभग। देखो यार 18 18, सेम 18 18 ही लिख रखा है यहाँ पे। ये सिस्टम भी और ये भी है और ये भी है, तो लगभग सब कुछ ही सेम है भाई इन दोनों का। बट साइज में बड़ी है, बट ये हैवी है, ये इतनी हैवी नहीं है। देखा डिफरेंस है इन दोनों में काफ़ी, ये हैवी है ये हैवी नहीं है। बट ये गाइस इजेक्टिंग सिस्टम के साथ आती है और काफ़ी मस्त काम करती है भाई ये। इस पर ये नहीं लिखा हुआ 9 × 19, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इस पर, इस साइड भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इस पर देखो इस साइड कुछ लिखा हुआ है, जनवरी फरवरी 27। ये क्या सीन है भाई, जनवरी भी है और फरवरी भी है। ठीक है, गन तो ये हो गई हमारी। और देखो यहाँ पे ऐसे लोड करते ही यहाँ पे इजेक्टिंग सिस्टम है, यहाँ से निकल जाएगा इजेक्ट करके, ऐसा कुछ सीन है, समझ गए। ऐसे हुआ, ये ऐसे गोलियाँ मारती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके पार्ट्स पे। सबसे पहले इसके साथ साइलेंसर मिलता है गाइस इसके साथ, जो कि इसमें ऐसे फिट हो जाता है बिल्कुल परफेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, फिट हो जाता है आराम से। हाँ चलो भाई, साइलेंसर देखो कितना बड़ा भाई। ठीक है, उसके बाद इसके साथ मिलती है मैगजीन, ये है मैगजीन इसकी। और मिलते हैं ये शेल हैं जो कि गन के अंदर डलते हैं। ये देखो भाई, ये हैं शेल इसके, काफ़ी मस्त है भाई, गोल्डन कलर दे रखा है। और साथ में मिलती हैं गोलियां गाइस, गोलियां जो हैं वो एक्स्ट्रा मिली हैं, 20 मिली हैं 10 की जगह, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि। ये देखो गोलियां अलग से हैं, ये शेल हैं और ये गोलियां हैं। और गोलियां कुछ मैं बताता हूँ कैसे डलेंगी, ऐसे पीछे से निकालनी है इनको और ये यहाँ पर ऐसे पीछे ही डालना है ऐसे। ओके, ये ऐसे सारी लोड करनी है इसके अंदर और फिर ये यहाँ से निकल जाएंगे आराम से। तो ठीक है, मैं इनको लोड करके मिलता हूँ फिर। तो गाइस इसके अंदर ना 7 बुलेट्स मिलती हैं, 7 7 7 शेल, तो ये तो उल्टी डल गई यार, अब इसको कैसे चलाएंगे, चलो देखेंगे वो बाद में देखते हैं। चलो इसको तो कोई नहीं, ये देखो 7 शेल मिले हैं और ये कुछ ऐसे जाएंगे इसके अंदर। एक मिनट, कैसे जाएगी ये, ऐसे जाएगी ना, तो शेल पीछे रहेगा। हाँ तो ये ऐसे डलेंगी। ओके, ये ऐसे किया, थोड़ा प्रेस किया, नेक्स्ट गोली, फिर थोड़ा प्रेस किया, नेक्स्ट गोली, ये टेढ़ी गल गई, उल्टी गल गई भाई ये। और फिर नेक्स्ट, ऐसे 7 डल जाएंगे इसके अंदर आई थिंक, डलनी तो चाहिए। देखो ये रहा, यहाँ पे दिख भी रही है भाई, कितनी मस्त लग रही है ये वाली गन। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेने की, बट आउट ऑफ स्टॉक थी ये, अभी स्टॉक में आई, आते ही ले लिया हमने, आते ही अटैक बोल दिया गाइस मैंने। ओके डन, ये हमारी गोलियां लोड हो चुकी हैं सारी की सारी, 7 की 7। अब इसको लोड करते हैं, बढ़िया। साइलेंसर का कोई काम नहीं है यार, मैं ऐसे ही लगा रही है बस। देखो थोड़ा सा एक चला के दिखाता हूँ, ये देखो चली ना वो। और अब मेन चीज, अभी देखना ध्यान से, अभी मैं ऐसे करूँगा निकल जाएगा वो। अरे यार स्प्रिंग नहीं लगा बस, ये देखना अभी तेज करूँगा। हाँ अरे ये क्या हो रहा है, हाँ अब हो गया ठीक भाई, ये तो फंसने लग गई यार। ओहो गाइस फंस गई है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रही है भाई ये। ओहो भाई थोड़ी सी गलत है भाई ये, ढंग से काम नहीं कर रही, बट ठीक है जो भी है। थोड़ा सा गोलियां फंस के आ रही हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों आ रही है, मेरे ख्याल से ज़्यादा पावर नहीं है इसके अंदर इसकी वजह से, पर जो भी है अब कुछ कर नहीं सकते, अब इसकी थोड़ी टारगेट प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है गाइस, अभी रिलोड करते हैं इसको। ओके ऊपर वहाँ पे टारगेट है, वहाँ पे मारेंगे हम। अरे यार ये सेल इजेक्टिंग काम ही नहीं करता भाई बेकार है इसमें।
भाई ये नहीं निकल रहा यार। हमको धकेलना पड़ रहा है भाई इसको, ये तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। ओ पहली बार कोई ढंग का काम किया, फिर वो काम नहीं किया। ओहो चलो फाइनली टारगेट हिट कर दिया, लेकिन गाइस इसमें बार बार गोलियां फंस रही हैं तो मुझे नहीं लगता ज्यादा अच्छी होगी ये। भाई 1400 रुपये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, 1500 रुपये लगा लो, 1500 की ही पड़ी है ये, और अभी तो इसका 2000 रेट है तो इसके हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये। इससे अच्छा कोई नर्फ गन ले लो, वो काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी आप लोगों को, ये मत करना भाई। तो जिसको भी वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हम ऐसी ही नई वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे ही धमाल करते रहेंगे। बाय बाय।